हमारे YouTube चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आया हूँ वो है विवाह, शादी, मैरिज। देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे पास काफी कुंडलियां आ रही हैं और मैं लाइव सेशन में भी देखता हूँ, सात सालों में मैं बैठता हूँ, सबका यही प्रश्न रहता है महाराज जी विवाह नहीं हो रहा है, 35 साल की उम्र में विवाह नहीं हो रहा है, लड़कियां 35, 35, 36, 36 साल की होंगी विवाह नहीं हो रहा है, क्या कारण ऐसे बन रहे हैं कि आज के लोगों का विवाह लेट होने लगा है, विवाह होता ही नहीं है, 40-40 साल के लड़के हो जा रहे हैं पर उनका विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी है, सुंदर स्वरूप है, सब कुछ है, फिर भी विघ्न क्यों आते हैं, क्या कारण ऐसे बन रहे हैं? तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज का उपाय लेकर के आया हूं, वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब उनको मैं ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं कि इस उपाय को करने के बाद आपको जो विवाह में विघ्न आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। सबसे पहले देखिए मैं कुंडली से बताता हूँ कि दिक्कतें आती क्यों हैं। पहली चीज, या तो जातक मंगली होता है, या तो बालक हो या बालिका, पुरुष स्त्री दोनों कुंडली में, तो विवाह या तो बहुत जल्दी हो जाता है या तो विवाह बहुत देर होता है। मंगली जातक का होता है या तो 1, 4, 7, 8, 12, इन भावों में यदि मंगल रहता है तो जातक मंगली होता है, या तो लग्न कुंडली से मंगली नहीं होगा तो चंद्र कुंडली से मंगली होगा ही होगा। दूसरी चीज, कुंडली में काल सर्प दोष भी यदि बनता है तब भी जातक के विवाह में देरी करवाता है। अब तीसरी चीज हम देखते हैं, यदि पुरुष की कुंडली है तो जो स्त्री कारक ग्रह बनती है वो बनते हैं शुक्र, यदि शुक्र पीड़ित है पुरुष की कुंडली में तो विवाह में देरी कराएंगे। सप्तम भाव पीड़ित है, जो भी सप्तम भाव होता है पत्नी का घर होता है, सप्तम भाव पीड़ित है तो देरी कराएंगे। अब स्त्री की कुंडली में यदि गुरु बनते हैं पुरुष कारक ग्रह, यदि गुरु पीड़ित है, गुरु नीच के हैं, गुरु 6-8-12 में चले गए हैं, गुरु शत्रु राशिगत हो गए हैं, गुरु में गुरु चांडाल दोष बन गया है, ऐसे दोष जब बन जाते हैं तब विवाह में देरी होती है। या सप्तम, ये सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में कोई गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, इन स्थितियों में विवाह में देरी होती है, विलंब होता है, विवाह होते होते टूट जाता है। अब आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं इस उपाय को करने के बाद बिल्कुल भी विवाह में देरी नहीं होगी और बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। बिल्कुल आराम सुनिए उपाय क्या है। उपाय बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर दूं, यदि तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के मुझे अवश्य फॉलो करिए, क्योंकि फेसबुक में मैं डेली शाम को 7 से 9 दो घंटे लाइव कुंडलियां बताता हूँ फ्री में। यदि आप अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो निश्चित ही मुझे फेसबुक में अवश्य फॉलो करें, आचार्य कृष्ण कौशल जी महाराज के नाम से मेरा फेसबुक पेज है जहां पर मैं फ्री में कुंडलियां देखता हूँ। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय करना क्या है। देखिए शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को ये उपाय करना है, सुन लीजिए, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को उपाय करना है। शाम को एक दीपक लेना है घी का, एक लोटा जल ले लीजिए, दो इलायची और 5 प्रकार की मिठाई, भगवान के मंदिर में जाइए, घी का दीपक जलाइए, थोड़ा जल चढ़ाइए, एक कोई पात्र ले लीजिए, ऐसे जल चढ़ाइए पात्र में, उसके बाद दो इलायची और जो 5 प्रकार की मिठाई है उनका भगवान को भोग लगाइए और प्रार्थना करिए, हे प्रभु कृपा करिए कि जल्दी से जल्दी मेरा विवाह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी प्रार्थना करनी है। देखिए पुरुष जो स्त्री है उसको तो उपाय करना है गुरुवार को, ठीक है, और जो पुरुष है उनको उपाय करना है शुक्रवार को, ये ध्यान रखिए। तो स्त्री के लिए पुरुष कारक के जो ग्रह है वो है गुरु, और पुरुष के लिए जो स्त्री कारक ग्रह है वो है शुक्र, तो जो जो स्त्रियां हैं उनको करना है गुरुवार को और जो पुरुष है उनको करना है शुक्रवार को, ये अवश्य ध्यान रखिए। अब एक चीज और, एक तो हो गया पहला उपाय, फिर शाम ढलने से पहले पहले एक चीज और करनी है कि बरगद का पत्ता लेना है, बरगद का पत्ता लेना है, बड़ वृक्ष आप जानते होंगे, उसमें 2 इलायची रखनी है और 5 प्रकार की मिठाइयां रखनी है, जाकर के जहां भी आपके घर के आसपास कहीं भी बरगद का पेड़ हो वहां जाकर के प्रार्थना करिए बरगद महाराज से, प्रभु जल्दी से मेरा विवाह करा दे, कृपा कर दे, और 5 प्रकार की मिठाई, 2 इलायची बरगद की जड़ के पास पेड़ के नीचे रख दीजिए, हाथ धो दीजिए और फिर घूम जाइए, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं ध्यान रखिए, पर आकर के घर में हाथ पैर धो लीजिए। ये आपको क्रिया करनी है लगातार 3 गुरुवार तक, ये 3 गुरुवार तक लगातार क्रिया करनी है, ठीक है। अब तीसरा उपाय, 2 इलायची लेनी है और 1 लोटा लेना है जल, ये सुबह सुबह करना है आपको, ठीक है, 2 इलायची लेनी है, 1 लोटा लेना है जल,
इलायची जल में डाल दीजिए और जल को जब तक आप खोलाइए जब तक जल आधा ना हो जाए, जब तक जल को खोलाना है जब तक जल आधा ना हो जाए। जैसे ही जल आधा हो जाए उस जल को अपने आप नहाने वाले जल में मिला दीजिए, उससे स्नान करिए, उससे सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, सारे ग्रह दोष खत्म हो जाएंगे और आपका विवाह का योग बन जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। अब सुनिए चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो नहीं करेंगे तो उपाय भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो यंत्र के साथ ही उपाय आपको करने हैं। आपको सबसे पहले लेना है लग्न योग यंत्र। नाम से आप समझ गए होंगे लग्न योग यंत्र। लग्न योग यंत्र का मतलब है विवाह कारक यंत्र। जिनका भी विवाह नहीं होता है, बहुत ही प्रैक्टिकली है, मैंने बहुत से लोगों को ये यंत्र दिया है, उनका 45 दिन के अंदर अंदर विवाह तय हो गया, सगाई हो गई और विवाह की तारीख की डेट निकल आए। अब करना क्या है, हमारे यहाँ से लग्न योग यंत्र मंगवाना है। जो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है, सिद्ध है, तंत्रों द्वारा मंत्रों द्वारा उसके चारों तरफ कलावा बंधा हुआ है मंत्रात्मक, वो यंत्र आपको अपने घर में मंगवा लेना है। यंत्र की जैसे आज आपने स्थापना अपने घर में यंत्र की कर ली, तो अगले दिन से फिर आपको उपाय स्टार्ट कर देने, पर उपाय आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से ही स्टार्ट करने हैं। एक ध्यान रखिए, पहले यंत्र की स्थापना करिए फिर उपाय करिए, तब 50% उपाय 50% यंत्र, तब दोनों 100% काम करेंगे, तब आपका काम बनेगा और निश्चित ही आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। पुरुष हो या स्त्री दोनों लोग, क्योंकि जो मैं उपाय आपको बताता हूँ, जो सारी चीजें आपको बताता हूँ, सारी मेरी आजमाई हुई है, सारी प्रैक्टिकल चीजें, इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, उपायों को करिए। और मैं बस यही शुभकामना आप लोगों को देता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोगों का प्रभाव हो जाए, आप लोग जीवन में आनंद करें, उपाय करें, पर उपाय करें तो पूरे विश्वास से करें, क्योंकि विश्वास हो फलदायक का, या विश्वास होता है फल की प्राप्ति होती है। पूर्ण ऊर्जा से करें कि मेरा काम होगा ही होगा। मेरी ये शुभकामनाएं, आप लोग स्वस्थ रहें, आनंद रहें, शिक्षित रहें।